नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सी लेडीज जूती लाई हूँ जो दोनों पैरों में एक जैसा ही बनता है। बनाने में आसान और देखिए कितना खूबसूरत। ये जूती अंगूठे वाली जूती है। इसे मैंने 4 और 5 नंबर फुट साइज के लिए बनाया है। यदि आपको बड़ा बनाना हो तो मैं आगे बताऊंगी कि हमें क्या करना होगा। देखिए कितना खूबसूरत है ये, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जूती बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 44 फंदे डाले हैं। सिंगल वुल से 10 नंबर की सिलाई पे 44 स्टिचेस। अब हम सामने की तरफ हैं और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारा दूसरा लाइन है। तो दूसरी लाइन में हम दूसरा कलर अटैच करेंगे और सभी फंदों को, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। हमने रॉन्ग साइड से दूसरा कलर अटैच किया है, सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने दूसरे कलर के उनसे सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं और ये हमारा तीसरा लाइन है। तो तीसरे लाइन में हम वापस दूसरे कलर के उनसे सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, ये हमारी एक उल्टे फंदे की धारी बनने शुरू हो गई है। तो हमने तीसरी लाइन में दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है। तो चौथे लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं और ये हमारा पांचवा लाइन है। तो पांचवी लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे। तो मैंने अपना तीसरा कलर अटैच कर लिया। अब तीसरे कलर के वुल से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो मैं सभी फंदों को उल्टा बुन ले रही हूँ। फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और हम इस लाइन में सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे ताकि एक उल्टे फंदों की धारी आ जाए। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और यहाँ पे हम अपना चौथा कलर अटैच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सामने की तरफ आ गए हैं। तो पहला फंदा देखिए, ये हमारा दूसरे कलर का है। इसे हम स्लिप करेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और ये देखिए, इस फंदे को हमें उल्टा बुनना है, ऊन दूसरी ओर करना है। देखिए नेक्स्ट फंदा, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे। ये बुना हुआ फंदा है, इसे वापस हम उल्टा बुनेंगे, ऊन दूसरी ओर, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर, बुना हुआ फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे हम पर्ल वाइज सिलाई डाल के तब स्लिप करेंगे
उनको अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो एक फंदा स्लिप करते हुए अगला फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर अपने थर्ड कलर के वूल से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं और वापस इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हमें इन दोनों कलर के वूल का अभी काम नहीं है, तो हम इसे काट देंगे और गांठ लगा देंगे। अब हम अपने प्राइमरी कलर के वूल से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे और इन दो धागों को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। अब हम सामने की तरफ से भी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अपने दूसरे कलर के उनसे हम वापस सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर अपने दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे ताकि एक उल्टे फंदे की धारी आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए जिससे एक उल्टे फंदों की धारी आ गई। अब हमें अभी फिलहाल इस कलर के ऊन का हमें कोई काम नहीं है, तो हम इसे काट देंगे। अब अपने प्राइमरी कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है, सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा। दोनों साइड से उल्टा बुनते हुए टोटल 8 लाइन कंप्लीट करना है, यानी 8 उल्टे फंदों की धारियां। हमें टोटल 16 लाइन उल्टा उल्टा बुनते हुए 16 लाइन बुनना है, जिससे 8 उल्टे फंदों की धारियां आ जाएंगी। तो 8 धारी मैं बना लेती हूं, उसके फिर बताती हूं कि आगे क्या करना है। ये फ्रेंड्स, 8 लाइन 8 धारियां बनके तैयार हैं, 2 4 6 8। अब हम एक लाइन और उल्टा बुनेंगे। हम रॉन्ग साइड में हैं और इस लाइन में भी हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो हमने टोटल 17 लाइन अपने प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा उल्टा बुन लिया, सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा। और हम अपने जूती के बीच पड़ाव पे पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि 9 फंदों को हम ऐसे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा घट गया, फिर इसे बाईं लाइन में चढ़ा लेंगे, एक फंदा और ले लेंगे। 2 फंदे हो गए और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना दिया, तो ये दूसरा फंदा घट गया। फिर इसको हमने बाईं लाइन में चढ़ा लिया, 2 फंदों को लिया, 2 का एक कर लिया, तीसरा फंदा घट गया। फिर इसे बाईं लाइन चढ़ा लिया, फिर 2 फंदों को एक लिया और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लिया, तो देखिए हमने 4 फंदों को घटा दिया। फिर 5 6 7 8 और 9 फंदों को हमने घटा लिया। अब शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
यदि आपके पैर चौड़े हो तो मैंने 17 लाइन बुना और 18वें लाइन में मैंने ये 9 फंदे घटाए। आप 19 लाइन बुनिएगा और 20वीं लाइन में 9 फंदों को घटाइएगा। तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब चूंकि यहाँ पे हमने 9 फंदे घटाए थे तो अब क्या करेंगे कि ऐसे एक लूप बनाएंगे। ऐसे देखिए उंगली पर ऐसे धागे के नीचे ऐसे उंगली लगाइए और ऐसे घुमा दीजिए और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दीजिए। ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। क्योंकि हमने 9 फंदे घटाए थे इसलिए हम 9 फंदे यहाँ पे वापस बढ़ा लेंगे। और अब हम सामने की तरफ आ जाते हैं और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। संभाल के हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने जितने फंदे घटाए थे वापस हमारे उतने फंदे हो गए। अब शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारी 8 धारी बनी हुई है, 2, 4, 6, 8। तो हम इस साइड भी 8 धारियां बना लेंगे। एक धारी हमारी बन गई है और 7 धारी और बन जाएगी। तो फिर हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 धारी कंप्लीट कर ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और हम रॉन्ग साइड में हैं तो यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और दूसरे कलर के उल से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस धागे को चाहे तो हम गांठ लगा लें या फिर ऐसे लपेटते जाएंगे तो भी ये निकलेगा नहीं और सफाई भी आएगी। तो हम अपने दूसरे कलर से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा बुन लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है। अब हम सामने की तरफ हैं तो सभी फंदों को हम उल्टा ही बुन लेंगे ताकि एक उल्टे फंदों की धारी आ जाए। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और सामने की तरफ से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे जिससे एक उल्टे फंदों की धारी आ जाए। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर अटैच करते हैं। तीसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। हम जब भी कोई लाइन शुरू करेंगे तो उल्टी तरफ से ही करेंगे। हमने अपना तीसरा कलर भी रॉन्ग साइड से लगा लिया और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इसे हम ऐसे लपेटते जाएंगे ताकि ये बंध जाए। और सामने की तरफ से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए 3 धारी हमारी तीनों कलर से बन गई। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में तो हम अपना चौथा कलर अटैच करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर अगला फंदा हम
उल्टा बुनेंगे और इस धागे को ऐसे लपेट लेंगे। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट स्लिप करना है और धागे को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इस धागे को हम लपेटते भी जाएंगे। उल्टा बुना, स्लिप किया, फिर उल्टा, फिर स्लिप, फिर उल्टा, फिर स्लिप, फिर उल्टा। एक फंदा हमें उल्टा बुनना है, अगला फंदा हमें स्लिप करना है। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने एक फंदा उल्टा बुनते हुए, अगला फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप किया है, उसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे। ये फंदा हमने उल्टा बुना था, तो सामने की तरफ से भी हम इसे उल्टा ही बुन लेंगे। अब अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, इसलिए ऊन को हम दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को वापस अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर। इस फंदे को हमने पीछे की तरफ से स्लिप किया था, आगे की तरफ से भी हम इसे स्लिप करेंगे। तो हमने स्लिप कर लिया, अब ऊन को अपनी ओर करेंगे। ये फंदा देखिए हमने उल्टा बुना था रॉन्ग साइड से, तो इस फंदे को हम सामने की तरफ से भी उल्टा ही बुन लेंगे। ऊन दूसरी ओर, फंदा स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर उल्टा बुन लेंगे, ऊन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे, ऊन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अपने तीसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम सामने की तरफ से भी सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे, जिससे एक उल्टे फंदे की धारी आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत सा एक पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब इन दोनों कलर का कोई काम नहीं है, तो हम इसे काट देंगे और अपने पहले कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और इन दो धागों को हम ऐसे लपेटते जाएंगे ताकि ये बंध जाए। पहले कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे और इन दोनों धागों को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। अब हमें अपने प्राइमरी कलर से दो लाइन उल्टा उल्टा बुनना है, आगे से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा, और सेकेंडरी कलर के ऊन से भी दो लाइन उल्टा उल्टा बुनना है। यानी हमें एक धारी प्राइमरी कलर के ऊन से बनाना है और दूसरी धारी सेकेंडरी कलर के ऊन से बनाना है। तो इन दोनों धारियों को बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दो धारी बना ली। यानी हमने जैसे इस साइड में डिजाइन बनाया था, हमने दूसरी साइड में भी डिजाइन बना लिया। अब हम इस धागे का कोई काम नहीं है, तो हम इसे काट लेंगे और अपने प्राइमरी कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे और धागे को ऐसे लपेटते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारा फाइनल लाइन है। इस लाइन में हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और
उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने दो का एक किया। अब इस फंदे को हम वापस 22 सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर हम इस फंदे को 22 सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। तो हम दो दो फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करते जाएंगे। देखिए हमारे फंदे बंद होने शुरू हो गए। दो दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। दो फंदों को एक साथ लिया, उल्टा बुन लिया। अब इस फंदे को वापस 22 सिलाई में चढ़ा देंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर इसे 22 सिलाई में चढ़ा देंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। तो हर बार बुनने के बाद हम इस फंदे को 22 सिलाई में चढ़ा के और दो फंदों को एक साथ ले लेंगे। देखिए हमारे फंदे बंद होने शुरू हो गए हैं। इस तरह करके हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब हम इस फंदे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और गोले को इसके नीचे इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। इसे हम कस देंगे। अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें अब इसकी सिलाई करनी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम सुई में धागे को डाल लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। सीधा वाला हिस्सा हमारा देखिए ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम इसको ऐसे एक दो बार करके इसे हम पक्का कर लेंगे ताकि पहनते समय ये कटे ना। अब देखिए जो उल्टे फंदे की धारी आई है इसी में हमें ऐसे सुई डालना है, एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में। इससे क्या होगा कि ये धारी एक में ऐसे मिल जाएगी और सिलाई का पता ही नहीं रहेगा। देखिए हमने एड़ी की तरफ पूरी सिलाई कर ली है। अब इस सुई को हम ऐसे अंदर की तरफ ऐसे डालेंगे और इधर की तरफ निकाल के गांठ लगा लेंगे। अब इसको हम थोड़ी दूर ऐसे निकाल लेंगे और इसको काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एड़ी की तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना सुई ऐसे डाल ले रहे हैं। और इसको हम ऐसे फोल्ड कर दें। देखिए हमने सामने की तरफ से ही इसे फोल्ड कर लिया है। अब देखिए ये जो धारियाँ गई हैं ऐसे इसके टॉप में हमें ऐसे डालना है। एक बार इधर से सुई डालेंगे और एक बार दूसरी साइड में। प्रत्येक धारी में हम ऐसे सुई डालेंगे। तो देखिए हमने प्रत्येक धारी में सुई डाली और अब इसको हम ऐसे थोड़ा सा खींच लेंगे। थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे ताकि यहाँ पे नोक ना बने। और अब हम इसकी ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे।
वैसे ही सिलाई करेंगे। देखिए ये जो हमारे उल्टे सीधे फंदों की धारी गई है, एक बार हम इधर से ऐसे सुई डालेंगे और एक बार इस साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसको दूसरे साइड को भी ऐसे फोल्ड करेंगे। इस धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे क्योंकि हमारे पास सुई में धागा पड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और देखिए ये जहाँ तक जाता है, अब यहाँ पे हम सिलाई करना शुरू करेंगे। मेथड वही रहेगा, एक बार इस साइड से, एक बार दूसरे साइड से। जो बाहरी सिरा है उसी में हम ऐसे सुई डालेंगे और सिलते चले जाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे और वैसे ही सिलाई करेंगे। जितनी ये देखिए टॉप के फंदे दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये ऊपरी सिरा, इसमें हम सुई डालेंगे प्रत्येक में और हम सिलते चले जाएंगे। फिर वैसे ही थोड़ा सा हम इसको ऐसे टाइट करेंगे ताकि ये गोल हो जाए। देखिए अब हम अपनी सुई को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे निकालेंगे। अब हम अपने धागे को यहाँ पे फिर से अटैच करेंगे। और सिलाई करना शुरू करेंगे। अब हमें उतने सिरे जिसमें जितने में हमारा पैर चला जाए उतने सिरे को छोड़ के बाकी को हमें सिल देना है। मेथड वही रहेगा, बाहरी सिरे को हम ऐसे पकड़ते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो हमने सिलाई कर ली, अब यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। अंदर की तरफ कर लेंगे। और इसे हम अंदर की तरफ ऐसे कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जूती बनके तैयार है। अब हम इसको पहनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह बनके तैयार हुआ है। कितना आसान और कितना खूबसूरत। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। Thanks for watching.